गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस तरह से थंबनेल बनाना चाहते हैं तो कैसे आप बना सकते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग पिक्सेल ऐप से बनाओगे थंबनेल तो आप लोगों को कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन अगर आप लोग इसको थोड़ा एडिटिंग करना चाहते हो, थोड़ा मतलब जान इसमें देना चाहते हो, तो इस तरह से आप लोग को देखेगा थंबनेल। तो ऐसे आप कैसे बना सकते हैं आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सो ले चलते हैं गाइस मोबाइल को स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोग को बताते हैं। ये रहा गाइस हमारे पास थंबनेल जो नॉर्मली पिक्सेल ऐप से बनाओगे तो ऐसा थंबनेल होता है। अब गाइस इसको मैं आप लोग को एडिटिंग करके बताऊंगा, काफ़ी हद तक इसको बेहतरीन आप बना सकते हो। तो यहाँ से आप लोग को सेंड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग के पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है लाइटरूम। तो यहाँ से आप लोग को लाइटरूम के अंदर इसको सेंड करना चाहिए। अब यहाँ से सेंड करोगे तो बाकी दूसरे वीडियो का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से उसमें थंबनेल एडिटिंग किया है, लेकिन ये वाला पार्ट को मैं नहीं बताया था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सेंड हो चुका है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। और यहाँ से मैं आप लोग को ये तरीका बताऊँगा, एल फोटोज़ पर यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ से देख सकते हो फोटोज आ चुका है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। अब वैसे जो मैं पहले वीडियो बनाया था उसमें सिर्फ मैं यहाँ से आप लोग को बता दूँ, यहाँ से मैं यहाँ कलर पे क्लिक किया था, उसके बाद मैं इधर मतलब पूरा एडिटिंग किया था, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं बताया था। चलिए यहाँ से आप लोग को कलर के हिसाब से जैसा आप लोग को अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिएगा। तो बाकी आप लोग इसको कम बेसी करोगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक पता चलेगा कौन सा हमारा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है, तो आप लोग इससे भी जज कर सकते हो। और बाकी तो अपने में आप में थंबनेल बनाना सही रहता है, तो आप लोग को जैसा लगे वैसा आप कर सकते हो। तो देखते हो कुछ इस तरह से बना। अब यहाँ पर आप लोग कलर पर देखते हो, कलर आप लोग कैसा रखना चाहते हैं तो ऐसे आप रख सकते हैं कलर, और आप लोग को जैसा मर्जी वैसा दिखते हो। तो चलिए हम फिलहाल के लिए ऐसा ही रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ डन पे क्लिक किया। अब गाइस मैं उसमें वीडियो में सिर्फ ये वाला बताया था, लेकिन ये वाला मैं नहीं बताया था, तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस पर जैसे इफेक्ट पर क्लिक करोगे गाइस, यहाँ से आप लोग को इसको सबसे पहले थोड़ा बढ़ाना है हल्का। अब हल्का बढ़ाने के बाद इसको आप लोग को हल्का कम करना है, और यहाँ पे ये वाला जो है ना गाइस यही मेन है। देख सकते हो इसको आप लोग बढ़ाओगे ना तो देख सकते हो यहाँ काफ़ी हद तक कलर देख सकते हो, आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आप लोग इसको फुल कर दो, देख सकते हो कलर कितना लेकर आ गया गाइस। आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके मैं बता रहा हूँ, देख तो नॉर्मली पहले ऐसा था, लेकिन अभी जैसे ही मैंने रंग चढ़ाया, ये तीसरा नंबर पे आप लोगों को दिख रहा है ना, ये तीसरा नंबर वाले को आप लोगों को फुल कर देना है, इससे आपको कलर आपके थंबनेल में काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाएगा देख सकते हो। बाकी इधर आप लोग बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, आप लोग को जितना बढ़ाओगे उतना ही आप लोग कलर चढ़ेगा देख सकते हो। हमारा थंबनेल आप लोग को मैं बाद में भी दिखाऊंगा। तो यहाँ से अब आप लोग को इस पर क्लिक करके इसको भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है, आप लोग थंबनेल देख लीजिएगा। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। बाकी ये सभी मैं आप लोग को पहले वीडियो में बताया है, बाकी मैं वही बताना चाहता था, ये वाला सिर्फ मैं तीसरा नंबर पर बताना चाहता था ये वाला बस। तो इसको मैं भी यूज़ नहीं करता किया था पहले, इसलिए मुझे भी नहीं पता था। बाकी इस पर क्लिक करके आप लोग ये दोनों को इनेबल कर देना है, उसके बाद यहाँ सेंड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेव टू डिवाइस पे क्लिक करना है, आपके सामने यहाँ पे गैलरी पे डाउनलोड हो जाएगा। अब जैसे ही डाउनलोड होगा गाइस आप देख सकते हो खुद ही यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को थंबनेल में कितना ज़्यादा कलर चढ़ चुका है। तो चलिए इसको हम डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। देखते हो ये तो अभी एडिटिंग की है, उसके बाद देख सकते हो अभी जो नॉर्मली था ये वाला, और देखो कलर चढ़ाए तो कैसा हो गया देख सकते हो, मतलब काफ़ी हद तक मतलब ये कलर चेंज हो चुका है।